बिहारी बच्चों ने बनाया रोबोट, एक कमांड पर देगा क्लास में लेक्चर। ये रोबोट सिखाएगा योगा, चेहरा पहचान कर मिलाएगा हाथ, ना पहचानने पर बजाएगा अलार्म। बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, 1.5 साल लगी मेहनत, आखिरकार मिली सफलता तो जमकर नाचे छात्र। बिहार के कॉलेज में बनकर तैयार हुआ ह्यूमनॉइड रोबोट, फीचर सुनकर आप भी ठोकेंगे इसे बनाने वाले बच्चों की पीठ। रोबोटिक साइंस की पढ़ाई करनी हो या करना हो BCA, MCA या इंजीनियरिंग, हम अपने बच्चों को बिहार से बाहर ही भेजना चाहते हैं। हमें लगता है बिहार में ऐसा स्कोप नहीं है कि इनकी अच्छी शिक्षा हो सके या इनका बेहतर मानसिक विकास हो सके, इसलिए दूर प्रदेशों के कॉलेजों को हम चुनते हैं। मगर बिहार भी स्मार्ट हो रहा है, बिहार के छात्र भी बिहार में रहकर नए कारनामे कर रहे हैं। बिहार के छात्रों ने बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया है, इसके लिए 1.5 साल का वक्त लगा और कड़ी मेहनत। BHU के रोबोटिक साइंस इवेंट में भाग लेने के बाद इन्हें अपना रोबोट बनाने का आइडिया आया, तो कॉलेज के स्टाफ के साथ BCA के बच्चे रोबोट बनाने में जुट गए। 1.5 साल बाद आखिरकार रोबोट तैयार हुआ और इनके रोबोट, जिन्हें नाम सुमेध दिया गया है, उनका सफल प्रशिक्षण हुआ तो छात्र छात्रा जमकर नाचे। बिहार के निजी शिक्षण संस्थान सीमेस समूह के BCA फाइनल ईयर के छात्रों ने बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया है। 15 छात्रों के ग्रुप ने ये रोबोट तैयार किया। इस रोबोट को सुमेध नाम दिया गया है। ये 6 फीट ऊंचा ह्यूमनॉइड रोबोट सुमेध ताली बजाकर नाचता भी है और लोगों का मनोरंजन करता है। इसमें शानदार फीचर्स डाले गए हैं, एक कमांड पर यह क्लासरूम में लेक्चर भी दे सकता है। सुमेध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नवीनतम तकनीक से लैस है, जो परिचित व्यक्ति से ग्रीटिंग करते हुए उनसे हाथ मिलाता है। रोबोट में कुछ चेहरों को पहचानने की फीचर डाली गई है, जिससे ये पहचान वाले लोगों को देखता है, उनसे हाय कहते हुए बातें करता है, सवाल के जवाब भी देता है। इसमें फेस रिकॉग्निशन की बेहतर क्षमता है और जिसे ये रिकॉग्नाइज करता है उसे ग्रीट करता है, और जिसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है उसके सामने आने पर अलार्म देकर अलर्ट करता है। इसे बनाने वाले छात्र कहते हैं इसकी प्रोग्रामिंग से लेकर इसके लिए सामान इकट्ठा करने में करीब 1.5 साल का समय लगा और फिर 3 दिन में इसे असेंबल किया गया है। खास बात यह है कि ये रोबोट पूरी तरह मेक इन इंडिया है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स इटली के लगाए गए हैं। इसकी प्रोग्रामिंग के लिए एड्रेनो ID का इस्तेमाल किया गया है। सुमेध रिमोट सेंसर से चलता है और इसमें एंड्रॉइड 11 का वर्जन लगाया गया है। इसमें जो जानकारियां फीड की गई है वो तो बताती ही है, नई जानकारियां भी इकट्ठा करता है। इसमें बेहद खास फीचर ये है कि इसके सामने कोई आता है तो आंखों को ब्लिंक कर उसकी जानकारी देता है। इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि किसी टॉपिक पर बोल सकता है। सुमेध को सफलतापूर्वक बनाने पर सीमेस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नीरज अग्रवाल कहते हैं, हम पिछले वर्ष अपने 300 छात्रों के साथ IIT BHU में रोबोटिक कंपटीशन में हिस्सा लेने गए थे। यहाँ देश के कई शिक्षण संस्थानों के लोग रोबोटिक में एक से एक इनोवेशन के साथ पहुंचे हुए थे। यहीं से रोबोट बनाने की प्रेरणा मिली और हमने भी इस पर काम शुरू किया। आज परिणाम सामने है, बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बनकर तैयार हो गया है।